न्यूज टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर के लोधन में, जहां पे कांग्रेस की कर्नाटक जीत के बाद देश के अलग अलग राज्यों में जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिला। उसी की एक कड़ी उत्तर दिनाजपुर जिले के यानी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में देखने को मिले, जहाँ पे काफी संख्या में है कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए विजय जुलूस निकाले हैं। इस वक्त तस्वीर में आप देख सकते हैं जहाँ पे काफी संख्या में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता, अगर कहा जाए ग्वालपोखर कांग्रेस के लोग जो है वो सड़क पर उतर कर जश्न मना रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं जहाँ पे उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर मौजूद है। इसमें अगर आप तस्वीर में देख सकते हैं जहाँ पे है इस वक्त जो है कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के मसूद मोहम्मद नसीम हसन के साथ साथ पूर्व जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस लीडर जैनुल साहब मौजूद है। साथ ही साथ जो है कांग्रेस के माइनॉरिटी जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है इरशाद आलम के साथ साथ कई लीडर यहां मौजूद हैं। आप इस वक्त तस्वीर में देख सकते हैं इस वक्त आप देख सकते हैं ग्वालपोखर के लोधन में, अगर कहा जाए ग्वालपोखर कांग्रेस कमेटी की तरफ से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत अगर कहा जाए कांग्रेस के आने के बाद जो है कांग्रेस में एक तरह से कहा जाए जान आ गई पूरे देश में, और उसका जश्न आज भी जो है मनाया जा रहा है। कल से ही पूरे कांग्रेस का जो है अगर कहें पूरी भारत में कांग्रेस की जो है जश्न का सिलसिला शुरू हुआ है, जो थमने का नाम ले रहा है। एक तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता में ऊर्जा आ गई है, उसी की एक झलक अगर हम कहें तो आप इस वक्त जो है ग्वालपोखर के लोधन में देखने को मिलेंगे। आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इस वक्त जो है हम लोग जो है जो तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के अंतर्गत ग्वालपोखर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ भी काफी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरह से विजय जुलूस निकाल कर जो है अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप तस्वीर में इस वक्त देख सकते हैं जिंदाबाद।
हमारे साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अंग्रेज जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नसीम साहब जिंदाबाद, 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 अरुण साहब जिंदाबाद, 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 विक्टर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त जो है न्यूज़ टुडे इंडिया के पर्दे पर आप देख रहे हैं, जहां पे लाइव तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से, जहां ग्वालपोखर कांग्रेस कमेटी की तरफ से अगर कहा जाए एक विजय जुलूस निकाला गया है। आप दर्शकों को पता ही होगा कि कल जो है विशेषता जो कल है वो जो है कर्नाटक में जो है एक पूर्ण बहुमत की सरकार का एक मैंडेट आया है सामने, जहां पर जो है पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश कर साफ तौर पर झिक रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। आप दर्शकों को पता ही होगा कि 224 में से 136 जो है विधायक जो है वो जीते हैं कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश में और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उसी को लेकर पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उसी की एक झलक उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में देखने को मिल रही है, जहां पर ग्वालपोखर के कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक विजय जुलूस निकाला गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आज भी जो है कांग्रेस अपनी जगह पर बरकरार है। आप इस वक्त सीधे तौर पर इस तस्वीरों से साफ रख सकता है यहाँ पर कांग्रेस कमेटी के लीडर और कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर जश्न मना रहे हैं। तो इस वक्त सीधे तस्वीरें आप हम लोग पीछे थोड़ा
आज यहाँ हम लोग जमा हुए हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे बीच हमारे चेयरमैन साहब नसीम साहब यहाँ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद जैनून साहब मौजूद है। तो आज यहाँ पे जो हम लोग रैली किए, आप लोग सब लोग मिलजुल कर जो रैली किए, आज भाई दे दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटका स्टेट में हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा, कर्नाटका स्टेट में वहाँ बीजेपी का सरकार था, वहाँ कर्नाटका का लोग, कर्नाटका अवाम माँ बहन अपना जिम्मेदारी समझते हुए कर्नाटका की अवाम ने वहाँ की माँ बहने तमाम लोग, वहाँ जो बीजेपी सरकार था, बीजेपी सरकार को संविधान के दायरे में लात मार के भगाया और वहाँ जो है कल जो है वहाँ कांग्रेस का सरकार बना है। आज उसी के खुशी में आज हम लोग नसीम साहब जैनून भाई का नेतृत्व में आज जो है हम लोग खुशी के मौके पर आज जो हमारे स्टेट में वहाँ जो है दंगा दंगाई का जो ये बीजेपी जो है नाच रचा है, ये जो खेल रहा है उस किस्म के तानाशाही हुकूमत को खत्म जो है कल जो है कांग्रेस सरकार खत्म किया है। कांग्रेस सरकार जो है वहाँ बनी है, वहाँ जो है कांग्रेस सरकार जिस तरह से वादा किया लोगों को इंशाल्लाह निभाएगा। आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आज अगर कोई पार्टिकुलर पार्टी अगर समझते हैं कि TMC या और भी कोई पार्टी अगर सेंटर में 2024 में अगर बीजेपी को हटा सकता है तो नहीं हटा सकता, बताइए आप लोग दिल में हाथ रखिए, क्या कोई रीजनल पार्टी हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता। कौन हटा सकता है? वही कांग्रेस सरकार हिंदुस्तान के कोने कोने स्टेट के हर एक स्टेट के कोने कोने में है कांग्रेस, इसीलिए हम लोग कांग्रेस का तमाम मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। और हमारे गोल बोर्ड का कुछ नेता बड़ा बड़ा भाषण मरता है, बड़ा बड़ा नेता बोला ये हुआ है वो हुआ है, उन लोगों को बोलिए यहाँ पे आरिफ भाई का मर्डर हुआ, बड़ा बड़ा लक्षण और बड़ा बड़ा टाइम मार रहा है ग्वाल बोर्ड का बड़ा बड़ा नेता TMC का, उन लोगों को बोलिए आरिफ भाई का यहाँ पे मर्डर हुआ, कान में तेल मार के सोए हुए थे क्या लोग? सोया हुआ था, मर्डर हुआ, ना कोई प्रोटेस्ट किया, ना कोई रैली किया, ना कुछ किया, और बड़ा बड़ा भाषण मार रहा है। इसीलिए मैं ग्वाल बोर्ड के लोगों को, नौजवानों को कहना चाहूंगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग के नेतृत्व में नसीम साहब जैनून साहब से लेकर मोहित सिंह भक्तों से लेकर अली इमरान रंज है इंशाल्लाह हम लोगों का। इसीलिए ग्वाल बोर्ड का इमाम आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह से इन लोगों का धोताबाजी, संतान सरकार जिस तरह से धोताबाजी कर रहा है, इन लोगों के धोताबाजी के खिलाफ कल जो है कर्नाटका में जो है बीजेपी को हटा करके वहाँ कांग्रेस सरकार बना है। इसीलिए मेरे दोस्तों साथियों बुजुर्गों, आप लोगों के साथ पूरे कांग्रेस जो है खड़ी है, इसीलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा बात नहीं बोल के इंशाल्लाह आप अभी जो है हमारे जैनून साहब वो आप लोगों के सामने चंद बातें रखेंगे, आप लोग सुने, उसके बाद नसीम से रखेंगे, आप लोग भी कोई अगर रखेंगे तो रख सकते हैं, उसके बाद मिठाई खा के हम लोग खुशी के मौके पर उसके बाद जो है जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों का एक स्टेट जिसको कर्नाटका कहते हैं, यानी हम लोग देसी भाषा में कहते हैं कि आज इन्हीं का खबर तक कोने कोने चले गई कोचिला, तो कर्नाटक में जहाँ 80% हिंदू है